हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं सपना आप सबका स्वागत करती हूं मैं अपने चैनल में। तो अभी सुबह का 8 बज रहा है और बच्चे को नाश्ता मैंने दे दिया है बनाकर जल्दी जल्दी। और इसके बाद घर का सारा काम मेरा पड़ा हुआ है। ये देखिए, मच्छरदानी वगैरह भी मैंने नहीं खोला है और अभी बहुत बाकी है काम। घर में पोछा लगाना है, कपड़े भी ढेर सारे हो गई है क्योंकि इन दिनों ना कपड़े वगैरह मैं उतनी धो नहीं रही थी क्योंकि बिजी वगैरह हम लोग उसी में थे, खाना दाना में, और हॉस्पिटल जाना पड़ा था, इसी चीज़ों में बिजी थी। वैसे तो भाभी भी ठीक है, बउआ भी ठीक है, सभी ठीक हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, तो कोई अब डरने की बात नहीं है, अच्छे से हैं, स्वस्थ हैं। तो जा रही हूँ, अभी तो काम पूरा नहीं हुआ है, सारा काम करना है, अभी बाकी है, तो चलती हूँ, सारे काम कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद आपसे मिलते हैं। तो सारे घर के जितने भी बिस्तर हैं सभी को मैं इस तरह से साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। और सभी को मुझे धोना है तो बेडशीट खोल ली, सारे को निकाल के धोने के लिए रख दी हूँ और बाकी को अच्छे से मोड़ कर अलग कर दूँगी क्योंकि अभी थोड़ा सा झाड़ू वगैरह झड़ेगा, धूल वगैरह झड़ेगा तो बिस्तर भी गंदे हो जाएंगे मेरे, इसलिए साइड में लगा दी हूँ बिस्तर। और थोड़ा अलमीरा को भी अच्छे से ढंग से व्यवस्थित कर देती हूँ, अच्छे से मैं कर देती हूँ और बहुत ही अच्छे से झाड़ वगैरह भी दे देती हूँ। बहुत धूल सा हो जाते हैं फिर भी, लेकिन उतनी पर्दे, इसीलिए मैं पर्दा हमेशा लगाई रखी रहती हूँ अलमीरा में कि जिससे कि धूल वगैरह जल्दी ना हो। और बहुत सारे काम हैं इसलिए पहले खाना दाना कर लेती हूँ, इसके बाद ही सब काम में लगूँगी क्योंकि बहुत सारा भी काम है। तीनों रूम व्यस्त व्यस्त हो रखा है और बाहर का भी पूरा मैसी, मतलब बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। तो सारे को कंप्लीट कर लेते हैं और आ गई हूँ खा कर मैं रसोई रूम में। और रसोई रूम को भी अच्छे से मैं जितने बर्तन वगैरह सुबह के जो नाश्ते के हैं सारे को धो देते हैं। और बेलन और चौकी जो है रोज़ ही धोना चाहिए हमें, तो मैं धो कर रख देती हूँ किनारे। ट्राईपॉड का भी तो हालत बहुत ही ख़राब हो गया, चारों तीन पैर ही मेरे टूट गए हैं ट्राईपॉड के, इसी तरह हो गया है तो इसे भी बनाना है मुझे। तो ट्राईपॉड का ख़राब हो गया है तो वो पड़ा हुआ है इसी तरह और नीचे रखकर मैं वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ी वीडियो क्लियर नहीं जाने वाला है, मैं जानती हूँ अच्छे से, अच्छा आज वीडियो नहीं जाएगा। फिर भी अगर अच्छा लगे हमारी वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। और खाने में मैं अभी खा रही थी लिट्टी बनाई थी सुबह में, पर मैं खा रही हूँ रोटी क्योंकि दोनों बच्चों और हस्बैंड जी के लिए मैंने लिट्टी बना दी थी। और रात में ना बचा हुआ रोटी भी था, चार रोटी बच गए थे तो इसी टाइम मैंने मेरा चोखा जो बच गया था ना भरने के बाद लिट्टी में, तो वो चोखा और रोटी अभी खा रही थी मैं। तो चावल तो रात में नहीं बनाती हूँ, कभी भी नहीं बनाती हूँ, वैसे ज़रूरत पड़ा तभी बनाती हूँ जब खाने का मन किया तब, लेकिन वैसे मेरे घर में रात में चावल नहीं बनता, रोटी ही बनता है। तो रोटी भी तीन चार बच जाते हैं या दो बच जाते हैं तो उसे सुबह में मैं साफ कर लेती हूँ, बच्चे तो खाते नहीं हैं। अब बच्चे को खिलाती हूँ तो उसे गर्म कर घी वगैरह लगा देती हूँ तो खा लेते हैं। चावल तो नहीं देती हूँ कभी सुबह में, और चावल मैं बनाती हूँ नहीं हूँ उतनी शाम के टाइम। तो बचे हुए रोटियाँ भी मैं खा रही थी अभी, चोखा और रोटी, तो उसे खाकर मैं सारा घर में कंप्लीट पहले काम कर लेती हूँ, इसके बाद दोपहर का खाना बनाऊँगी तो हम साथ पूरा परिवार खाएंगे।
और यहाँ पर मैं गैस साफ़ कर रही हूँ और गैस की हालत थोड़ा ख़राब हो गई है, बहुत पुराना गैस है, इसे मुझे बदलना है। और ये जो स्विच है ना, बार बार मेरा निकल जा रहा है, तो निकला हुआ है और तो इसे मुझे ज़रूरी है बनाना। तो आजकल कर रहे हैं, कब इनको छुट्टी मिलेगा तो इन्हीं को दूंगी, जो कि अच्छे से बनवा कर ले आएंगे। अभी फ़िलहाल तो अभी तो ख़रीदूँगी नहीं, लेकिन अब देखते हैं 6-7 महीना बाद देखूँगी गैस एक किन्ना बहुत ज़रूरी है, अच्छा वाला गैस ले लूँगी। लेकिन अभी तो नहीं, अभी इसी पर काम चलाऊँगी, थोड़े सा इसे अच्छे से क्लियरली बनवा लूँगी तो अच्छा लगेगा देखने में। तो यहाँ पर रसोई रूम को मैंने पोंछ लिया है और फिर से मैंने कपड़े को अच्छे से गार के फिर से दोहरा कर मैं इसे अच्छे से पोंछ लूँगी। तो जितने भी कूड़ा था वो पहले मैंने पोंछ कर निकाल दी हूँ और इसके बाद दोबारा पोछा लगा दी हूँ अच्छे से, तो हो गई मेरी अच्छे से सफैया। तो फ्रेंड्स, मेरा रसोई रूम साफ हो गया है, क्लीन, पूरा चकाचक देख लीजिए। और ये रहा, ये गंजी है जिससे मैंने रसोई रूम को पूरा अच्छी तरह से साफ कर दी हूँ। क्या है ना कि बच्चों वाली गंजियाँ जो होती है ना, सूती होता है, उपयोग में आ जाते हैं घर वगैरह पोछने में। तो रसोई रूम क्योंकि सूती कपड़े मिलते नहीं हाल ही, जैसे कि सूती कपड़े होते हैं जो कि मिलते नहीं है, तो हस्बैंड जी का, बच्चे का जो गंजिया होते हैं पुराने वगैरह फेंकती नहीं, उसका पोछा वगैरह में यूज लिए आती हूँ। तो चलते हैं बरामदे में, अब सारा काम करना है, घर का तो हो गया है कंप्लीट काम, अब बच गया है बरामदा। तो चलते हैं, बरामदा का हालत भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देख लीजिए क्या हालत है, और ये सारे कपड़े हैं जो मुझे धोना है अभी, तो इन सारी चीज़ों को मैं निकाल देती हूँ। देखिए मच्छर कितना है, ये मच्छर कितना बैठा हुआ है, तो निकाल देती हूँ। बच्चे वगैरह स्नान वगैरह करते हैं, सभी इसी पर रख दिए हैं, तो थोड़ा मच्छर बैठ गया। मच्छर इतने हैं मेरे घर में ना, कहीं भी इतने सारे बैठ जाएंगे ना घर में, जहाँ गंदगी देखेंगे वहाँ बैठ जाते हैं। इसीलिए घर को मैं साफ़ सुथरा रखती हूँ ज़्यादा, क्योंकि मच्छर बहुत हो गए हैं और गंदी चीज़ों पर मच्छर बहुत बैठते हैं, तो बहुत गुस्सा बढ़ता है। तो इसलिए मैं अधिकतर साफ़ सुथरा करके रखती हूँ। तो ये सारे हटा देती हूँ मैं, सारे चीज़ों को घर से बाहर ही कर देती हूँ। और फेंकते वक्त ना थोड़ा सा करकट में लग गया था, तो ही देख रही थी, हल्का लगा हुआ था, और नीचे भी गिर गया है मुझसे लकड़ी, तो उसे देख रही थी मैं, बच्चे आएंगे तो निकलवा लूँगी। अच्छे लकड़ी थे, जिससे कि मैं उस पर ना ट्राईपोड कुछ रखती थी, कुछ भी करना होता था उसे भी छा कर ना कोई काम कर लेती थी उस पर, तो वो गिर गया है नीचे, तो बच्चे आएंगे तो निकलवाऊँगी। और ये देखिए पानी भी दे देती हूँ इसमें,
मनी प्लांट में। तो फ्रेंड्स, घर का झाड़ू वगैरह हो गया है, सब कुछ हो गया, और इस रूम का अभी बाकी था मेरा। तो ये देखिए, ये जो बेडशीट मैंने न्यू लिए थे ना, वो बहुत बड़ी था, बहुत बड़ा बेड के लिए था, लेकिन ये मेरा पलंग है तो उतनी बेड जैसा, बहुत बड़ा बेड जैसा है नहीं जो कि बिछा जाता है, तो थोड़ा सा पलंग है ये। तो बहुत लंबी हो गई थी मेरी क्या कहते हैं बेडशीट, तो उस बेडशीट को ना थोड़ा सा नाप कर काट रही थी, और इसे मैं खोली लगा दूँगी, खोली बना दूँगी, तो तकिया खोली भी हो जाएगी मेरी, दोनों चीज़ हो जाएगा, तो इसलिए मैंने उसे काट कर ना रख दी हूँ। और आ जाती हूँ बाहर, घर का कंप्लीट पूरा मेरा काम हो गया है सारा, मैंने घर में एक एक चीज़ सारा चीज़ों को सही जगह पर रख दी हूँ, और घर में सिर्फ पोछा लगाना है बस, और कुछ भी नहीं लगाना है, साफ साफ सुथरा हो गया है। और रसोई रूम में तो मैंने पोछा भी लगा दी हूँ, सिर्फ दो रूम का है पोछा लगाना मुझे, वो भी कर दूँगी। अब बाहर मैंने साफ़ सुथरा कर दी हूँ, तो पहले जा रही हूँ धो लेने कपड़े, और धोने के बाद ही मैं घर में पोछा लगाऊँगी, और इसके बाद स्नान वगैरह करूँगी, और इसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया है, अब जा रहे हैं दोपहर का खाना बनाने जाना है। तो बस आज की वीडियो यहीं एंडिंग करते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।